हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से 65,000 कैश व दो मोबाइल लूटपाट कर बदमाश फरार। मोहम्मदपुर हसनपुर रोड पर स्थित ईशा फिलिंग स्टेशन में देर रात हुई घटना। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। नूह जिले के ताबड़ू उपमंडल के मोहम्मदपुर हसनपुर रोड पर स्थित ईशा फिलिंग स्टेशन पर देर रात दो अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर फिलिंग स्टेशन कर्मचारी से 65,000 की नकदी व दो मोबाइल लूट कर फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। तावड़ू थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ईशा फिलिंग स्टेशन पर तैनात सेल्समैन अंकित तिवारी ने बताया कि रविवार देर रात लगभग 8:25 पर अवैध हथियारों से लैस होकर दो युवक फिलिंग स्टेशन पर आए, जिन्होंने आते ही सेल्समैन। मेरा नाम श्याम सुंदर, ईशा फिलिंग स्टेशन विलेज बिस्सर अकबरपुर का मैं ओनर हूँ। इन्होंने नियर अबाउट 9:00 के आसपास मेरे को खबर दी, तो मैंने चौकी पे फ़ोन किया और इन्होंने 112 नंबर पे फ़ोन ये कर चुके थे। तुरंत ही चौकी से पुलिस आ गई और 112 नंबर वाले भी आ गए, तो नियर अबाउट वो 60-65 हज़ार रुपये इनके पास कैश था, इनके मोबाइल थे और वो ले गए। और ऑफिस के अंदर वो 10-15 इनको अंदर ले जाके गन लगा के वो देखते रहे, और जाते हुए वो फिर हवाई फायर भी कर गए और बोले कि अगर तुमने शोर मचाया तो हमारे साथ 10-15 लोग और भी हैं, तो शोर मत मचाना आप। जाते हुए डर पैदा करने के लिए वो हवाई फायर भी करते हुए निकल गए। तो जैसे ही पुलिस आई तो सारी वारदात हमने उनको बता दी और सेलमैनों ने अपने बयान भी दर्ज करा दिए। पुलिस ने हमें पूरा सहयोग करा, आ गई थी उसी टाइम मैं फ़ोन करते 112 नंबर वाले भी, पुलिस चौकी वाले भी। ईशा फिलिंग स्टेशन पर तैनात सेल्समैन अंकित तिवारी ने बताया कि रविवार देर रात लगभग 8:25 पर अवैध हथियारों से लैस होकर दो युवक फिलिंग स्टेशन पर आए, जिन्होंने आते ही उनके साथी सेल्समैन अतुल पांडे को अवैध हथियार दिखाकर उनकी जेब से पेट्रोल पंप की शेल के करीब 65,000 रुपये की नकदी तथा उनके स्वयं के 8,000 रुपये तथा दोनों कर्मचारियों के मोबाइल फ़ोन लूटकर फायरिंग करते हुए मौके पर से फरार हो गए, जिसकी सूचना दोनों कर्मचारियों ने 112 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर आ पहुंची और छानबीन करना शुरू कर दिया। वहीं गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में रहने वाले श्याम सुंदर ने बताया कि जैसे ही पेट्रोल पंप पर लूट की सूचना उन्हें मिली तो वह मौके पर पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। सर, मैं वहाँ से आया था यहाँ पे रोटी खाने के लिए, तख्त पे बैठा हुआ था, तो मेरा साथी अतुल कुमार ये भी यहीं बैठा था। इतने में बस रोटी खाने वाले थे, दो बंदे आए, नकाब पोश, मुँह बंद था उनका, और ये गाड़ियों के पीछे से आए थे और डायरेक्ट यहाँ आके बिल्कुल पीछे खड़े हो गए। एक ने जाके मुझे पिस्टल लगाई और एक ने इसके सर पे लगा दी, सामने दिखा के, मतलब गोली वोली डाल के लगा दी इसको। और मेरे पास सबसे पहले तो मेरे दोनों फ़ोन छीन लिए दोनों लोगों के, जो भी कैश था मेरे पास, दिन का जो भी सेल का कैश था वो सारा कैश ले लिया हमसे। और फिर यहाँ से हम दोनों को लेके ऑफिस के अंदर गए, ऑफिस में सारा कुछ ढूंढ ढंड के एक मिनट के अंदर ऑफिस से तो निकल गए और हमसे बोले कि अगर शोर मचाओगे तो तुमको मार दूंगा, और रिवॉल्वर दिखाते हुए बाहर से और बाहर जाके फायरिंग करके चले गए। कितने बजे की घटना है ये? सर यही कोई समथिंग 8:00 रहा था। किस चीज़ पे सवार होके आए थे, कैसे गए थे? सर वो आए तो पैदल ही थे बस के पीछे होके, लेकिन जब हम लोग थोड़ा पीछे तक दौड़ते हुए गए तो आगे जाके देखा कि उनकी बाइक को स्टार्ट खड़ी थी, उस बाइक पे बैठ के वो सीधे रोड निकल गए। जो आपके पास कैश था वो कितना था? सर समथिंग होगा 60-65 के। सबसे पहले अपने पड़ोस में ठेका है वहाँ पे गए, फिर 112 नंबर पे कॉल करी तुरंत। मौके पर आ गई थी 112? हाँ मौके पर आ गई, तुरंत आ गई थी 112। डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा ने बताया कि ईसा पेट्रोल पंप के मालिक श्याम सुंदर द्वारा कर्मचारियों के साथ लूटपाट की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर छानबीन करना शुरू कर दिया।
पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे की मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमारे पास बीटी भी आई थी कि 70,000 रुपये छीन लिए गए हैं और हथियार के बल पे छीने गए हैं। ये हम अपने टेक्निकल तरीके से इसका शीघ्र से शीघ्र पता करवा लेंगे कि किन्होंने वारदात की है और सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है। हमारी टीमें जो कि इस प्रकार का हमारे पकड़ने का काम करती हैं वो लगी हुई हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी शीघ्र गिरफ्तार कर